आज के टाइम पर नेटफ्लिक्स रूल करती है इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इससे पता है कि यहाँ की ऑडियंस को हॉलीवुड मूवी नहीं उसे टॉप क्वालिटी हिंदी डबिंग भी होना चाहिए। अगर आज की लिस्ट आपको पसंद नहीं आई तो चैनल को सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब जो चाहे करना। टॉप नेटफ्लिक्स हिंदी डबिंग मूवी का पार्ट 3 नेटफ्लिक्स का एक और डोज लेते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल एजेंट नीना की बेटी को किडनैप कर लिया बेरहम गैंगस्टरों ने। अब ये के लेने वाले हैं, लेकिन नीना के पास एक ऐसी स्किल जो लाशों की ढेर लगा देगी अगर कोई इसके और इसकी बेटी के बीच में आया तो। एक्शन थ्रिलर 2023 की मदर डे मूवी के एक्शन सीन में जिस तरह प्रोमो ऐड कर रहा है वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा, आप भी रिपीट करके देखोगे भाई सब शूट कैसे किया होगा। ऊपर से वो बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन सीन जहर थे, लेकिन कैरेक्टर डेवलप में मूवी बहुत टाइम लेती है। सब इतने धीरे धीरे और मरे हुए की तरह डायलॉग बोल रहे हैं, बट इन सब के बीच में वो सिनेमेटोग्राफी जॉन विक टाइप की सिर्फ 1 hour 30 minutes की बहुत ही अच्छी डबिंग के साथ एक्शन फैन के लिए मस्ट वॉच है। एलेक्स मैक्सिको में अपनी फैमिली के पास जाता है और उसे मिलता है वहाँ मॉन्स्टर चुपाकाब्रा जिसे लोग पकड़ना चाहते हैं और ये फैमिली उसे बचाना। एडवेंचर ड्रामा 2023 की चूपा मूवी का फील गुड जब जब मिलेगा जब वो मॉन्स्टर के सीन आएंगे, स्पेशली वो स्टार्टिंग और एंडिंग का जो फर्स्ट हाफ में स्टोरी बिल्डअप की है वो फैमिली और मॉन्स्टर का रिलेशनशिप और उसे बचाना, और सेकंड हाफ का वो एडवेंचर। पर कैरेक्टर डेवलप में बहुत पैसा लेती है हमारा, और ऊपर से वो चिंदी विलन भी, पर वो मॉन्स्टर और फैमिली का रिलेशनशिप दिखाना वो सेटिस्फेक्शन देती है। इसमें मॉन्स्टर है तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। 1 hour 35 minutes की मूवी बड़ी अच्छी डबिंग के साथ अपनी फैमिली के साथ 100% एंजॉय कर सकते हो। माइक को अपने माफिया बॉस के बिगड़ल बच्चे को बचाना है एक एक कर दुनिया के टॉप असासिन को मारकर। एक्शन कॉमेडी 2022 की एक्सीडेंट मैन हिट मैन हॉलीडे मूवी एक्चुअली 2019 का एक सेकंड पार्ट है। एक्सीडेंट मैन ये मूवी सभी एक्शन फैन के लिए गिल्टी प्लेजर है। इस मूवी के अंदर दिमाग यूज नहीं करना है, उसे साइड में रखकर बस इसके एक्शन वो स्लो मोशन में फुल एंजॉय करना है। हद से ज्यादा ब्रूटल और बेमतलब के कई सारे एक्शन सीन। इसलिए ये मूवी सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखनी है जो सवाल नहीं पूछते हैं मूवी देखते वक्त, बस खून खराबा और ब्रूटल एक्शन सीन के मजे लेते हैं। और हॉलीवुड में जितने भी एक्शन टाइप सीन है वो सारा घुसा दिया है और एक एक्शन की खिचड़ी बना दी है जो मुझे देखने में बड़ा मजा आया। मूवी में कुछ अटल नहीं सिर्फ ब्रूटल से भरी है। 1 hour 30 minutes की मूवी एक्शन फैन के लिए मस्ट वॉच है। एक फैमिली नए हाउस में शिफ्ट हुई है और उन्हें मिलता है गोस्ट जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर फेमस हो गए हैं और CIA उसे पकड़ना चाहती है। जो स्टोरी बिल्डअप की है फर्स्ट हाफ में वो फैमिली फेमस हो गई है, हर कोई उस गोस्ट से मिलना चाहता है, गोस्ट बोल नहीं सकता और उसे कुछ याद भी नहीं है, और यही पता लगाएगा केविन सेकंड हाफ में जो एडवेंचर मिस्टीरियस है और कॉमेडी जो मुझे बहुत पसंद आई। पर 2 hours का लेंथ फील जरूर कराती है मूवी और हम इमोशनली कनेक्ट भी नहीं हो पाते स्टोरी से, पर गोस्ट का VFX जो कैरेक्टर और स्टोरी बिल्डअप की है वो आपको एंड ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देगी। एक दो किस सीन के अलावा कुछ अटल नहीं है तो 100% अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, जो मस्ट वॉच है। बड़ी अच्छी इंडियन विंग के साथ 2023 की वी हैव अ गोस्ट। जो 911 कॉल सेंटर में काम करता है उससे एक वुमन का कॉल आता है जो एक वैन में है, किडनैप हो चुकी है, उसके लोकेशन भी नहीं पता और कार की नंबर प्लेट भी नहीं, और जो उसे बचाने के लिए पूरा पागल हो चुका है। वहाँ एक डरी हुई 6 साल की बच्ची है जिसकी माँ का किडनैप हुआ। क्राइम थ्रिलर 2021 की द गिल्टी जो की अपनी प्रॉब्लम जिसकी वजह से इस वुमन को बचाना चाहता है। पूरी मूवी उस कॉल सेंटर में शूट हुई है, फिर भी वो थ्रिलर और कैमरा वर्क जो टेंशन क्रिएट करती है, स्पेशली वो कैरेक्टर की एक्टिंग जो हर एक सिचुएशन फील करा रही थी। सिर्फ 1 hour 30 minutes की मूवी भी लेंथ फील होती है क्योंकि सब विजुअली नहीं दिखाया है जो हमें इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती है स्टोरी से, बट जो कैरेक्टर डेवलप किया है जॉय का, ऊपर से उसका खुद का मिस्टीरियस और वो टेंशन क्रिएट कर पाना हमारे दिमाग में, और इसके लास्ट के 30 minutes तो मेरे को हिला दिया था। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है तो सीधा मूवी आपको हिट करेगी। मूवी हर किसी के लिए नहीं है, बस आप में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कुछ नाजी छुपे हुए सोने को ढूंढ रहे हैं हर जगह, और ये इंसान के रूप में हैवान है, क्या एल्सा और हेनरी इनको रोक पाएंगे? अब जो भी हो पर आपको ब्रुटैलिटी का पूरा सेटिस्फेक्शन देगी। सिर्फ 1 hour 40 minutes की मूवी आपको सीसी मूवी की याद दिला देगी, और कॉपी करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन एक्शन सीन के अंदर इनोवेटिव आइडिया भी बहुत है। बहुत ही सीरियस और डेंजरस सीन, खासकर जब अपने हीरो को फांसी पर लटका दिया जाता है और हर मूवमेंट में लगता है अब गया अब गया। मूवी के बहुत से सीन आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस पर मजबूर कर देंगे।
बस सेकंड हाफ में मूवी ज्यादा खींची लगती है, तब इसका 1 hour 40 minutes भी फील होता है। मूवी में वॉयलेंस ही नहीं सेक्सुअल वॉयलेंस भी है, लेकिन ब्रुटैलिटी की हर पार्ट करती है मूवी ने। ये मूवी एक एक्शन का पैक है जो बड़ी अच्छी डबिंग के साथ है। 2023 की ब्लड एंड गोल्ड जो मस्ट वॉच है। नंबर 4 की मूवी भाई साहब ट्रू स्टोरी से इंस्पायर 18th सेंचुरी की अफ्रीका की कहानी, जहां आपको देखने को मिलेगा औरतों की अनबीटेबल फौज, क्लास की एक्टिंग और कैरेक्टर बिल्डअप, जो दर्द स्क्रीन पर कैरेक्टर को फील होता है वो आप तक पहुंच पाता है, और इनको फाइट करते देखकर इतना जोश बढ़ जाएगा आप में भी। अडल्ट सीन नहीं पर ब्रूटल बहुत ज्यादा है, कैसे यूरोप और इंग्लैंड अफ्रीका के लोगों को कैसे यूज करते हैं, और औरतों की फौज मिलकर इनके अगेंस्ट खड़ी हुई है। एकदम रो एंड रियल और चीड़ फाड़ मूवी, अच्छी इंटरव्यू के साथ मस्ट वॉच है। एक्शन ड्रामा 2022 की द वुमन किंग, मिडिल ईस्ट सऊदी में ओसामा बिन लादेन का कहर है, और खुलेआम फायरिंग सुसाइड बॉम्बिंग करवाना, वो भी अमेरिकन कैंप में। इसी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ अमेरिकन मिलिटेंट्स आए हैं, लेकिन इनको कोई सपोर्ट नहीं करता इस इन्वेस्टिगेशन में। मूवी के अंदर VFX ऑलमोस्ट ना के बराबर है, सारे के सारे एक्शन सीन स्पेशल इफेक्ट के दिखाए हैं। अगर आप VFX के एक्शन को देखकर पक गए हो और कुछ रियल देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए है। कोई फालतू का रोमांस या कैरेक्टर बिल्डअप नहीं, सीधा बॉम्बिंग चालू होती है। 2007 की मूवी है तो शायद स्लो फील हो, क्योंकि वो डायलॉग्स इतने इंपैक्टफुल नहीं है जितना ओवर एक्टिंग ये कैरेक्टर करते हैं। एक्शन कम इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा है। अंदर सर पुरानी मूवी है तो एक्सपेक्टेशन कम रखना। 1 hour 50 minutes की मूवी बड़ी अच्छी इंटरव्यू के साथ 2007 की किंगडम मस्ट वॉच है। नंबर 2 की मूवी, ओ भाई साहब, अक्सर बेटी किडनैप हो जाती है और माँ को ढूंढना पड़ता है, पर यहाँ पर उल्टा है, पर ये बेटी घर बैठे अपनी माँ को कैसे ढूंढेगी। एप्पल के इकोसिस्टम को यूज कर बारीक से बारीक बहुत अच्छी तरह दिखाया है। स्टार्टिंग में फील होगा कि मूवी में दम नहीं है, पर पता चलता है ये सिंपल सी स्टोरी में बहुत ही खतरनाक एंगल है, तो आपका पूरा फोकस इस मूवी पर चला जाता है। मूवी जिस तरह बनी है उसके स्टाइल से आपको प्यार हो जाएगा, इतनी इंगेज और हार्ड मिस्टीरियस स्टोरी है। अब ये टीनेज लड़की ऑनलाइन ऐसे अपने माँ को ढूंढती है, वो जिंदा मिलेगी या उसकी लाश, या उसी की मोम के पीछे कुछ और ही राज छुपा है। 1 hour 50 minutes की मूवी बड़ी अच्छी डबिंग के साथ मस्ट वॉच है। थ्रिलर सस्पेंस से भरी हुई है 2023 की मिसिंग। नंबर 1 की मूवी का फर्स्ट पार्ट ने ही भोकाल मचा दिया था, अब जाकर इसका दूसरा पार्ट हिंदी डब हुआ है। फर्स्ट पार्ट में एक फैमिली को सरवाइव करते देखा एलियन से, बट नेक्स्ट पार्ट में अपने सेफ जोन से बाहर की दुनिया में निकलने में इस एलियन से भी खतरनाक कुछ और है। एक टाइम पे तो मूवी इतनी साइलेंट हो जाती है आपको अपनी दिल की धड़कन सुनाई देगी। जो स्टोरी और कैरेक्टर बिल्डअप किया है, इतना ज्यादा डायलॉग ना होने के बावजूद भी स्टोरी से कनेक्ट हो जाना कि अपने आप में भी उसको फील करोगे। सिर्फ 1 hour 37 minutes की मूवी, वो टेंशन बिल्डअप किया है, ऊपर से वो साउंड एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी की ब्यूटी, भाई साहब अब ये कहने की जरूरत नहीं कि ये मस्ट वॉच है 2020 की द क्वाइट प्लेस 2। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।